नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल गादीपुर हरकेश बाईपास कप्तानगंज आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने एक्सप्रेसवे के रास्ते कन्नौज के इंदरगढ़ पटेल नगर पहुंचकर किसान सम्मेलन में शिरकत की और मंच से जनसभा को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी सरकार में बालू 13,000 की 100 फुट बिक रही है और आलू मद्दा किसानों का, और अखिलेश की सरकार में आलू किसानों का महंगा था और बालू सस्ते थे। आलू का दाम मिट्टी से भी कम है और जनता परेशान है। सपा के होने वाले किसान सम्मेलन में सपा के पूर्व मंत्री विजय बहादुर पाल को मंच पर जगह न मिलने पर जनता के साथ कुर्सियों पर बैठे दिखाई दिए। मंच पर ज्यादा कार्यकर्ता जमा होने पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग मंच से गिरते नजर आए। कार्यक्रम की महिला आयोजक कंचन कन्नौजिया ने प्रदेश अध्यक्ष को सरदार पटेल की तस्वीर भेंट की। सम्मेलन में कई वरिष्ठ सपा नेताओं ने शिरकत की और भारी तादाद में कार्यकर्ताओं ने किसान सम्मेलन में पहुंचकर भागीदारी दिखाई। किसानों के साथ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत ही नाइंसाफी कर रही है। किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन उनको लागत मूल्य नहीं मिल रहा है और किसानों को धर्म और जाति की बात समझा करके भारतीय जनता पार्टी 2019 का चुनाव जीतना चाहती है। हम माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में विकास किया है और किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिया है और दाम दिलाने का काम किया है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों से मिलने आए, उनकी समस्याओं से मिलने आए और अपनी बात कहने आए। त्रि केवल पैसे वालों के यहाँ जाते हैं, पूंजीपतियों के यहाँ जाते हैं, गरीबों के यहाँ नाटक कर लें बस। किस तरह का नाटक होता है? पूरा नाटक करेंगे, कहो किसी क्या करे। खाना खाने जा रहे हैं जी। अब खाना खाने जाते हैं, अपना आदमी बना के ले जाता है, उन्हीं की थाली आती है, उन्हीं में नाटक करने लगते हैं। और किसानों के घर, अगर वो उन आत्महत्या करने वाले किसानों के किसी घर में गए हों तो बताएं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो क्या इस तरीके का ढोंग करते हैं क्या आपके हिसाब से? पूरी तरीके से नाटक करते हैं। किसान इस समय सबसे ज़्यादा परेशान, नौजवान सबसे ज़्यादा परेशान है, गरीब आदमी कमज़ोर आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है। आर्थिक विषमता बढ़ गई है, पूंजीवाद बढ़ गया है, इस देश के अंदर आतंकवाद बढ़ गया है, जातिवाद बढ़ गया है। अच्छा, गुंडे आज जनता को मार रहे हैं, सता रहे हैं, महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, महिलाओं के साथ किस तरीके के इनके विधायक, इनके लोग, इनके संगठन के लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों को प्रसाद देने वाली पार्टी जी। आप समाजवादी पार्टी स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेगी। माननीय अखिलेश यादव जी और गठबंधन जब सरकार बनाएगा केंद्र में, तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का मोदी जी ने वादा किया था, लेकिन नहीं लागू किया। और माननीय अखिलेश यादव जी और उनके सहयोगी दलों की सरकार बनेगी तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी और किसानों को ड्यौरा का दाम दिया जाएगा, मूल्य उनकी लागत के अनुसार किया जाएगा। बीजेपी उनकी लागत नहीं जोड़ रही। हमने सदन के अंदर जो नेता सदन दिनेश शर्मा के सामने कहा था कि लागत मूल्य तो बताओ, आप कह रहे हो हमने 1625 रुपया गेहूँ का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। मैंने पूछा आप लागत मूल्य बताओ, लेकिन लागत मूल्य नहीं बताते और बताते हम किसानों को माला माल कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं किसानों के साथ, गन्ना किसान 13,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को बकाया है और आज पूरे प्रदेश में गेहूँ के किसान लूटे गए। 300-300 रुपये का बिचौलियों ने मुनाफा कमाया है। 1400 रुपये कुंटल का गेहूं मार्केट से खरीद करके 1700 रुपये में बेच दिया और क्रय केंद्रों में जिस तरीके की धांधली हुई है वो धांधली शायद भारत के इतिहास में इस तरीके की धांधली। महागठबंधन की सरकार अखिलेश यादव जी ने जिस समय आवारा पशुओं की छुट्टा जानवरों की बात का प्रबंधन उन्होंने बुंदेलखंड में करके दिखाया था, वो माननीय अखिलेश यादव जी की अगर सरकार में जो प्रबंधन हुआ था उसको आगे बढ़ा दें तो ये किसानों के जो खेत चले जा रहे हैं उससे बच जाए। नहीं, आवारा सांड लोगों को मार भी रहे हैं तो आप ही बता रहे हैं, सारे मीडिया में आता है जी कि इनसे जो है किस तरीके से जनजीवन असुरक्षित हो गया है। को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।